तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं एक नेटफ्लिक का शो लेके आया हूँ जिसमें आपको 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इन शो का नाम है ये अनकही कहानी। और इस शो को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और ये शो हमको ऐसा क्या नया दिखाता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शो को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा और इस सीरीज को IMDb पे ना 6.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की। और इस शो से ना बहुत एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ये शो उतना अच्छा नहीं निकला जितना अच्छा सोचा था। और इसमें आपको कुल मिलाकर 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे पूरे और कंबाइंड एपिसोड कुल मिलाकर 2 घंटे के आसपास जाएंगे। और अगर इस शो के पहले एपिसोड की बात करें ना तो इस शो में आपको इस एपिसोड में आपको पहले देखेंगे अभिषेक बैनर्जी जो एक छोटे से गांव में आए हैं मुंबई काम करने के लिए। और वो एक कपड़े की शॉप में काम करते हैं जहाँ पे उनका एक दोस्त भी काम करता है और वहाँ पे काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और उनका मालिक भी बहुत उन्हें अच्छा समझता है क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करते हैं। और कभी कभी उनकी माँ से भी बात होती रहती है। लेकिन अभिषेक का जो कैरेक्टर है ना वो शॉप से घर, घर से शॉप, शॉप से घर, घर से शॉप, और ये इसका रूटीन रिपीट होता रहता है और ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। और जब इसके मालिक को पता चलता है ना कि भाई सीजन पास आ रहा है तो वो कुछ करने की सोचता है। लेकिन इस शो में जो अभिषेक का कैरेक्टर है ना वो इतना लोनली होता है ना कि भाई उसका कोई दोस्त नहीं होता, वो हमेशा अकेले रहता है और अपना खाली समय ना मूवी देखते टाइम बिताता है। और मालिक के जाने के बाद ना उसका जो दोस्त है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लग जाता है। और जब उसका मालिक चले जाता है ना तो वो वहीं के कपड़े पहन के ना बाहर चले जाता है और अपने जो फ्रेंड है ना अभिषेक से बोलता है कि भाई तू संभाल लियो, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। और वो कैसे शॉप वगैरह बंद करके होटल से खाना लेके घर जाता है और वो उसकी लाइफ बहुत ही खाली चल रही होती है और उसके साथ ना कोई बात करने वाला नहीं होता। लेकिन एक बार उसका मालिक बोलता है कि सीजन आ गया है तो तुम जाके एक फीमेल डमी लेके आओ। और जब वो वहां पे शॉप में जाता है ना डमी लेने के लिए और जब पहली बार जब वो उस डमी को देखता है तो हैरान हो जाता है कि कोई डमी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। और जब उसको वो ले जा रहा होता है ना तो उससे बात करता है और एकदम से उसका सर उसके कंधे पे आ जाता है। और इतने में वो ऑटो वाले को बोलता है कि भाई कहीं जल्दी जाना है क्या? नहीं ना, तो धीरे चला। और वो कैसे उससे बात करता है और उसके लिए बहुत सी चीज करता है, उसको नए नए कपड़े पहनाता है और जब भी शॉप में खाली बैठा होता है ना तो उससे बात करने लगता है। लेकिन आगे जाके सिचुएशन कैसे बिगड़ जाती है और इसके मालिक को पता चल जाता है कि ये डमी को कहीं बाहर घुमाने ले गया था और कुछ शायद गलत भी करा उस डमी के साथ, तो मालिक बहुत ही इरिटेट हो जाता है और उसको बड़ा अगली समझने लगता है। और वो कैसे उसको काम से निकाल देता है और वो लास्ट तक उस डमी के साथ रहेगा या उसको छोड़ देगा बात करके आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। और अगर इस शो के सेकंड एपिसोड की बात करें ना तो भाई इस शो का सेकंड एपिसोड मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इस एपिसोड में आपको एक मराठी लड़की दिखेगी जिसको मूवी देखना बहुत पसंद है और वहां पे एक लड़का होता है हॉल में जो अपने फादर को भी देख रहा होता है जिनकी कंडीशन बहुत खराब होती है और वो बहुत काम भी करता है लेकिन उसको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही होती है। लेकिन एक लड़की होती है ना उससे उसकी मुलाकात कैसे होती है और दोनों कैसे पास आ जाते हैं और जब वो पास आ जाते हैं ना तो कैसे वो भागने की सोचते हैं लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जाते हैं। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड भाई समझ में आ रहा है तो भाई मुझे जरूर बता देना। और अगर इस शो के तीसरे एपिसोड की बात करें तो भाई तीसरा एपिसोड भी बहुत अच्छा है। इस एपिसोड में ना निखिल द्विवेदी का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसकी एनिवर्सरी होती है और वो अपनी बीवी को ना एक नेकलेस गिफ्ट करता है लेकिन वो थोड़ा आउटडेटेड होता है और उसका एक जो हीरा होता है ना वो टूटा होता है। और जब वो उस शॉप में फोन लगाती है ना, मेरे पति आपकी शॉप से एक नेकलेस ले गए थे लेकिन वो नेकलेस टूटा हुआ है, पटने में जो शॉपकीपर होता है ना वो बोलता है कि मैडम वो दोनों नेकलेस खराब है क्या? तब उसे पता चलता है कि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है और उसने दूसरा नेकलेस किसी और लड़की को दिया हुआ है। और जब वो अपने पति का मोबाइल और सारे सोशल मीडिया हैंडल चेक करती है ना तो वहाँ पे एक पर्सन का नाम दिखता है जो मानव होता है, जो उस लड़की का पति होता है जिससे उसके पति का अफेयर चल रहा होता है। और वो उसके पति से बात करती है कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर ना, और ये दोनों मिलके पता लगाते कि इन दोनों का अफेयर कब से स्टार्ट हुआ और उसके पीछे क्या रीजन है कि ये दोनों इतने नजदीक आ गए। लेकिन ये दोनों भी एक अलग ही राह पे निकल जाते हैं और आपको सीरीज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा एपिसोड देखने के बाद ना मुझे ये पता लगा कि भाई इतना सब कुछ क्यों ही कर रहे हो, एक लड़का लड़की को क्या ही चाहिए होता है। बस भाई मैं इस शो के बारे में आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता। और अगर ये शो आपने देखा है तो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना। और ये शो प्लीज अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना और ये शो ना आपको एक अलग ही जर्नी पे ले जाएगा और इस शो को देखने के बाद आपके फेस पे एक स्माइल से रहेगी कि हाँ भाई कुछ नया, कुछ अलग, कुछ यूनिक देखा है जिसको देख के आप टोटली इम्प्रेस हो जाते हो।
और ये शो आपको नेटफ्लिक की स्ट्रीमिंग सर्विस पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।